हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो स्टूडेंट्स, आज हम सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के अंदर नेक्स्ट टॉपिक जो है उसके डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट आपको याद होगा हमने सेल साइज के बारे में पढ़ा था, तो आज हम सेल शेप जो है उसके बारे में करने वाले डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, सेल शेप। तो फ्रेंड्स, आपने आपकी जूनियर क्लासेस के अंदर या प्रीवियस क्लासेस के अंदर आपने पढ़ा होगा सेल शेप्स के बारे में। बहुत सारे आपने डिफरेंट सेल्स देखे होंगे, आपके नोटबुक्स के अंदर आपकी पिक्चर्स देखे होंगे बहुत सारी आपने। ठीक है, हो सकता है कि आपने कभी डेमोन्स्ट्रेशन भी किया हो, कभी आपने देखे हो माइक्रोस्कोप का यूज करके आपने सेल देखे हो। तो उसके स्टूडेंट्स, अब जो हम बात करने वाले हैं सेल की, तो आपको एक तो यानी क्या है, सेल्स जो होते हैं बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के होते हैं। आपको याद होगा, आपको पता होगा, हमने पढ़ा है कि सेल्स ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मल्टी सेलर्स होते हैं। तो यूनिसेलर्स के पास क्या होता है, एक सेल होता है, तो वो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके अंदर भी क्या होते हैं, उनकी डिफरेंट शेप होती है सेल की। ठीक है, और मल्टी सेलर्स जो होते हैं उनके पास भी क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के या डिफरेंट डिफरेंट शेप्स जो होती है उनके सेल की होती है। तो आपको जनरली क्या होता है, कई बार अगर क्वेश्चन दे दिया जाता है आपको आइडेंटिफाई करने के लिए सेल, तो आपको क्या है, इन सेल को देख कर आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसमें से कुछ सेल जो मैं ड्रॉ करने वाला हूँ, उनमें से कुछ सेल ऐसे होंगे जो आपने देखे होंगे, आप उनको इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे, और कुछ सेल ऐसे हो सकते हैं जो आपने नहीं देखे हों। तो आपसे जनरली यही है कि आप उसे याद रखें उस पिक्चर्स को। ठीक है, आप उसको ड्रॉ करके देखें आपके पास, ताकि आपको जब खुद अपने हाथ से ड्रॉ करोगे उन सेल को, तो उससे क्या होगा, वो आपको ज्यादा लॉन्ग टर्म तक रहेंगे, याद रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सेल शेप की अगर बात करें तो वेरियस टाइप के क्या होते हैं, आपको सेल मिलने वाले हैं शेप वाइज। तो अगर हम यहाँ पे कुछ सेल्स को ड्रॉ करें, तो जैसे हमारे पास क्या होंगे डिफरेंट सेल्स के अंदर, सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ सेल्स जो होते हैं कैसे होते हैं, इररेगुलर शेप होते हैं। तो आपको याद होगा इररेगुलर शेप जो होता है कौन सा होता है, मैं यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट भी करूंगा। पहले चाहूंगा कि आप ही इसको खुद जाने कि कौन कौन से टाइप के सेल आप जानते हैं, कौन से आप नहीं जानते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं नॉर्मली, हमारे पास एक सेल मिल जाएगा आपको नॉर्मली। ठीक है, या इसको थोड़ा सा मैं शेप वाइज अगर बात करूं, ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे नेक्स्ट सेल की, तो आपको इस टाइप के अंदर आपको इस टाइप के आपको सेल देखे होंगे आपने। ठीक है, आपको याद आ रहा होगा कुछ, इस सेल को हम दोबारा डिस्कस करने वाले हैं टिश्यू वाले चैप्टर में। थोड़ी सी भी देता हूं आपको कि टिश्यू वाले चैप्टर में इसको आप दोबारा से स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो ये इसके क्या हो गए, ब्रांचेस हो गए, आपको याद आ रहा होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं और बात करूं कुछ शेप्स सेल्स के, आपको रेक्टेंगुलर शेप्स के मिल जाते हैं कुछ आपको। ठीक है, कुछ आपको बेस सेल सेल मिल जाएंगे फ्लैट टाइप के। ठीक है, कुछ सेल्स में ऑर्गेनिजम्स में आपको ये भी आपको याद आ रहा होगा, इसमें क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ऑल ओवर द बॉडी, जिन्हें आप क्या बोलते हैं, सीलिया बोलते हैं। ठीक है, इसके बेसिस पे याद आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स, इतने ड्रॉ करने के बाद हम कुछ और ड्रॉ करेंगे इन सेल्स को, तो अभी यहाँ पर इनकी रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। मैंने समझ लिया होगा कुछ आप यहाँ पर इनको नेम कर गए होंगे, कुछ तो हो सकता है कि सभी का नाम बता दिया हो। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ स्टूडेंट्स इररेगुलर सेल शेप की, तो इररेगुलर के अंदर आपको याद होगा कि हमारे पास क्या है, ये फर्स्ट हमारे पास ये क्या है, अमीबा। ठीक है, तो आपको याद होगा हमने इसका डिस्कशन भी किया था, अमीबा जो होते हैं क्या होते हैं, यूनिसेलर्स हैं, और ये क्या है, प्रोटिस्ट होते हैं। आपको याद होगा इसको हमने डाइवर्सिटी वाले चैप्टर के अंदर इसको डिस्कस किया था। तो इसके अंदर की शेप होती है कैसे होते हैं, इररेगुलर होती है, और ये जो ब्रांचेस दिख रही हैं आपको, इसके लैक लैक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं आपको, इन्हें हम क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया बोलते हैं, आपको याद होगा। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, सिंपल सा ही है, क्या है, ये एग है, और इसको हम लिख देते हैं ऑस्ट्रिच एग्स। ठीक है, तीसरा हमारे पास ये
कुछ स्टूडेंट्स ने इसको दे दिया होगा इसका आंसर, और नहीं दिया तो हम यहां बात कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, नर्व सेल है, ठीक है। क्या है ये, लॉन्ग एलोंगेटेड क्या है, एक नर्व सेल है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेल के जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं आपको, ठीक है, वो आपको क्या मिल जाएंगे, कुछ इस टाइप के मिल जाएंगे, ठीक है। ये आपके पास हमारे पास जनरली क्या हो गया, बेसल सेल्स हो गए, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, आपको पता है कौन सा है ऑर्गेनिज्म, सही, ये है पैरामीशियम, ठीक है। क्या है ये, पैरामीशियम। तो इस टाइप से आपको रिप्रेजेंटेशन दी जाती है, अगर आपको क्वेश्चन दिया जाता है, आपको कोई पिक्चर दी जाती है, आपको डायग्राम दिया जाता है इसका बना के, और आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए पूछा जाता है, तो आप इस तरीके से आपको एक बार आप बनाएंगे अपने अपने हाथ से बुक्स में देख के, ठीक है, तो आपको क्या रहेंगे, याद रहेंगे और इनको आप अच्छे से याद रहेंगे, लेबलिंग कर पाएंगे इसकी, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे और बात कर लेते हैं, इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर आप और भी रिप्रेजेंटेशन करना चाहें तो युगलीना की कर सकते हैं इसके अंदर आप रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इसके अलावा आप चीफ सेल्स कर सकते हैं, लीवर सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे सेल्स हैं जो आपको यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, तो उसके अंदर आपको हर चीज क्या करनी है, याद रखनी है भाई किस टाइप का जो सेल है और किस टाइप से उनकी क्या है शेप है, तो शेप वाइज आप उसको अच्छे से क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे पैरामीशियम है तो पैरामीशियम के अंदर आप देख सकते हैं किसके अंदर क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जिन्हें हम जनरली क्या बोलते हैं, सीलिया बोलते हैं, ठीक है, याद है ना, सीलिया पढ़ा था आपने। फिर आपने याद होगा प्रोटिस्ट के अंदर हम पढ़ रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ द लोकोमोशंस के बेसिस पर, तो हमने अमीबा पढ़ा था, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका या नॉर्मल अमीबा पढ़ा था, जो क्या कह रहा था, इसके पास क्या होता है, स्यूडोपोडिया होते हैं, क्या करने के लिए, मूवमेंट शो करने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके बाद अब देखो सेल शेप की बात की हमने, इससे पहले हमने बात की थी एक चीज की जिसका नाम हमारे पास क्या, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर हम बात कर रहे थे, तो उसके अंदर आपको याद होगा स्टूडेंट्स हमने दो टाइप के क्रिएचर पढ़ रहे थे हम यहाँ पे, एक हमारे पास क्या थे, प्रोकैरियोट्स थे, और दूसरे हमारे पास क्या थे, यूकैरियोट्स थे, ठीक है। अगर इसके अंदर एक डिफरेंस जो है यहाँ पर कई बार क्या होता है दिया जाता है आपको इसके अंदर, तो आपको याद रखना है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स एंड द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। तो सेल वाले चैप्टर के अंदर आपको ये क्वेश्चन जो होता है, कई बार क्वेश्चन क्या होता है पूछ लिया जाता है आपको, ठीक है, कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स आप जानते हैं स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक यहाँ पे सेल, तो इसके अंदर हमारे पास कौन सा किंगडम आता है, आपको याद होगा मोनेरा किंगडम आता है इसके अंदर। और यूकैरियोट्स की अगर बात करें तो यहाँ पर आपके कौन कौन से किंगडम थे, प्रोटिस्टा, फिर आपके पास क्या था, फंजाई, फिर इसके अंदर आपने पढ़ा था प्लांटी, और दूसरा लास्ट हमारे पास क्या था इसके अंदर, एनीमेलिया, ठीक है, आपने ये पढ़े थे। फिर दूसरा अगर हम डिफरेंस यहां पे बात करें, तो जनरली अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स की, तो यहां पर ऑर्गेनिजम्स कैसे मिलते हैं आपको, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं, जिनके पास क्या होता है, ओनली एक ही सेल मिलता है यहां पे आपको, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें यूकैरियोट्स की, तो यहां पर आपको यूनिसेलुलर इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो भी मिलते हैं, एज वेल एज आपको मल्टी सेलुलर जो होते हैं वो भी आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के साथ साथ मल्टी सेलर। तो आपको याद होगा यूनिसेलर के अंदर जैसे आपको क्या मिला था, प्रोटिस्ट याद होगा आपको, इसके अंदर क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, सिंगल सेल रहते हैं। इसके अलावा और डिफरेंस की अगर बात करें, तो मोनेरन जो होते हैं जनरली, सॉरी, और मोनेरन्स या प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, तो यहां पर आपको याद होगा यहां पर जो जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, उसके सराउंडिंग में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है, ठीक है, आपको याद होगा प्रोकैरियोट्स की क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि उसके सराउंडिंग में, जेनेटिक मटेरियल के सराउंडिंग में क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, एब्सेंट होती है, जबकि यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, प्रेजेंट होती है, ठीक है, ये भी सिंपल सा है, ये आपको याद होगा। इसके अलावा और भी आपको याद होंगे, जैसे प्रोकैरियोट्स की अगर यहां पर हम बात करें, तो इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, ठीक है, ये क्या होते हैं, इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, जैसे जनरली क्या होता है, ऐसे सेल ऑर्गेनेल जैसे हमारे पास क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट हो गया, तो इस टाइप के हमारे पास क्या है, जिसके अंदर सराउंडिंग में मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है, ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, इनके अंदर एब्सेंट होते हैं, जबकि ये
सेल ऑर्गेनेल जो होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड, वो यूकैरियोट्स के केस में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं यहां पे, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास। तो अगर जनरली बात करें, और एक जस्ट देखो, इससे पहले आपने जो डिफरेंस किया था वो क्या था आपका, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर के बीच डिफरेंस किया था। ठीक है, अगर वो क्वेश्चन आता है तो आपको ये रिप्रेजेंटेशन नहीं करके आनी, अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आपको वो नहीं करके आना। दैट मीन दोनों को आपने क्या रखना है, अलग अलग रखना है। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स से पूछा जाता है तो उसके बीच में डिफरेंस बताना है आपको। और अगर आपको यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है तो आपने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर का डिफरेंस जो है वही आपने क्या करना है, बता कर आना है इसके अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके अलावा अगर हम बात करें मल्टीसेलुलर की, इसके अंदर तो मल्टीसेलुलर की इन्वॉल्विंग होती है, तो जैसे लाइफ स्पैन क्या होता है, बढ़ जाता है, और जो ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलती है यूनिसेलुलर। और अगर प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स के अंदर आपको जनरली ऑर्गेनाइजेशंस जो होती है आपको देखने को नहीं मिलती, लेकिन अगर बात करें मल्टीसेलुलर की तो इनके केसेस के अंदर जो यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर आपको ऑर्गेनाइजेशन जो होती है देखने को मिलती है। डिवीजन ऑफ लेबर जो होता है वो देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको डिवीजन ऑफ लेबर जो होता है देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर क्या होती है, कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलती है। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन कैसे रहती है, सिंपल टाइप की रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, इनके बीच में क्या होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे तो आपको क्या करना है, ये भी याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप दो चीज करेंगे आज, एक आपने डिफरेंस पढ़ेंगे आप इसको कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस क्या होता है, दूसरा सेल शेप जो होती है उसको क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आज के लिए हमारे पास इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम इसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।